गुड मॉर्निंग सर, आई एम अनिल कुमार। हाँ तो मैं क्या करूँ सर, मैं बैठ सकता हूँ? Get up. तुम बैठ क्यों गए? मैंने तुमसे बैठने के लिए कहा क्या? जब मैंने आपसे पूछा आपने हिला के हाँ कहा। तो तुम रोकोगे मुझे? हाँ, पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो गया है, संस्कृति संस्कार कुछ बचा ही नहीं। छी छी, लाओ सर्टिफिकेट्स दो। तू क्या मेरा होने वाला दामाद है? तिलक लगाकर तेरे चरण धोकर बैठने के लिए कहूँ तब जाकर बैठेगा क्या? अब मैंने बैठने के लिए कहा है तो बैठ जाओ। इतनी सारी डिग्रियां कौन से मार्केट से खरीदी? अरे वाह, आप कॉमेडी अच्छा करते सर। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था ये कॉमेडी है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? उदे तो मर जाएंगे। हम दोनों में अनलकी कौन है? नौकरी मुझे नहीं दी तो आप अनलकी होंगे। नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगी, अनलकी मैं कैसे? क्योंकि मेरे जैसा होनहार और मेहनती आदमी आपके हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, और मान लो अगर मैं तुम्हें नौकरी दे दूं तो चाय और खाकरे बेचने का प्लान मैं कैंसिल कर दूंगा। मिस्टर अनिल कुमार, आप इतने होनहार हैं, इतनी सारी डिग्रियां हैं आपके पास, फिर अब तक किसी ने नौकरी क्यों नहीं दी आपको? सच सच बोल दूं? आज तक मैं जहां नौकरी मांगने गया उन लोगों ने मुझसे चंदा मांगा और मैं चंदा हरगिज नहीं देता। चलो अच्छी बात है, तुम समझदार हो, इसलिए एक राज की बात बताता हूँ। ये नौकरी तुम्हें नहीं मिल सकती क्योंकि मैनेजमेंट ने पहले ही सेटिंग कर ली है। नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मेरे साथ रोज होता है, आज तक इस तरह किसी ने खुलकर बात नहीं की। थैंक यू वेरी मच। नौकरी करना ही जिंदगी का मकसद नहीं, आप समाज सेवा भी कर सकते हैं। वेरी गुड, तुम्हारे ख्याल नेक है, ये अच्छी बात है। अगर बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? बताइए सर। नाइट वॉचमैन की वैकेंसी है, अगर मंजूर हो तो नौकरी पक्की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आई एम रेडी। बहुत सारे लोगों को ये नौकरी भी नसीब नहीं होती, कोई भी काम छोटा नहीं होता, नौकरी मंजूर है। सही कहा। ये लो तुम्हारे सर्टिफिकेट्स। जी सर। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ऐसा जॉब दिलवाऊं जी सर जो तुम्हारी क्वालिफिकेशन के मुताबिक हो। ठीक है सर। ब्रदर, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली तो तुम क्या करोगे? रस्सी खरीद के झाड़ पे लटक के सुसाइड कर लोगे? बैड न्यूज़ है, इसकी जरूरत मुझे नहीं तुझे पड़ेगी। ला चॉकलेट ला। मेरी शर्ट अभी प्रेस कर दो। ऐसे ही पहने हुए? मैं उतार कर देता हूँ ना। यहाँ लेडीज है, पेड़ के पीछे जाओ उतारो। ये लेडीज है? एक तो वैसे ही देर हो रही है और ऊपर से ये हुकुम चला रहा है मुझ पर। ले पकड़। इस पर थोड़ा पानी छिड़क दो। अरे उसकी शर्ट पानी में डाल दी, वो बेचारा पेड़ के पीछे वहाँ खड़ा है। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। क्या कर रहे हो, जल्दी करो ना। दिन भर सपने देखती रहती हो। अरे और कितना टाइम लगेगा? अभी टाइम लगेगा, चुपचाप खड़े रहे वहाँ पे। उसे ऐसे ही दे दूँ? मुंह बंद कर अपना। मेरा नाम एन सुबाराव है, प्यार से लोग मुझे तूफानी पुकारते हैं। मैंने भी ये मान लिया है क्योंकि मैं इसे रोक नहीं सकता। आ गया तूफान। एम सूर्या राव जो मेरे अंकल थे, अन्नावरम मंदिर में काम करने वाले अप्पा राव उनके साले हैं। यहाँ को अंजी बाबू भी है जो यहाँ की चोर पार्टी का कार्यकर्ता है। वो चंद्रकला रोज का सुब्रमण्यम, देवी प्रसाद, के गति बाबू, सती राजू, रामा राजू, उन्होंने एक साथ मिलकर खूब दारू पी और सारे के सारे नहर में बह गए। ये खबर सुनकर नीलाद्री, उसका साला बलराम, कृष्णा राव, बीज बेचने वाला सूर्य नारायण, ये सब उन्हें गोदावरी नदी में ढूंढने गए। ये सारे बेकार के लोग मिलकर गोती पल्ली जट्टी से निकले और फिर से खंबा लेके पीना शुरू कर दिया। इन बेवड़ों की तो। अरे सारा मुझे क्यों मारा था? अब ये बताओ तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो? मेरी एक ट्राइंगल लव स्टोरी है, एक शादीशुदा औरत से प्यार हो गया। मुझे बहुत लेट हो रहा है, किसी और के कपड़े दे दो, अपने कपड़े बाद में ले लूंगा। ये लो, पहन लो। तुम कुछ कह रहे थे ना, ये चालू रहती है तो कुछ समझ में नहीं आता। मुझे एक शादीशुदा औरत से प्यार हो गया। तुम्हें हो गया? हाँ। तुम्हारे जैसे प्रेमी लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन उसका जालिम पति बीच में आ गया। पर वो दिखता कैसा है? आओ इधर, मैं तुम्हें बताता हूँ। सर पे गमछा बांधता, बेवकूफ हो जैसी मूछे, गले में एक तावीज बांधता, गंदा सा बनियान और रबड़ की चप्पलें, और एक बात बताना भूल गया, उसकी धोती बदबूदार गंदी सी है। ये समझ लो इस वक्त वो मेरे सामने खड़ा। हाँ, मुझे भी दिखा। पर मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें किसी न किसी तरीके से उसे ठिकाने लगाना ही होगा। 25 रुपए लूंगा। अरे 25 रुपए में कोई काम करता है? ले लो, ऐश करो, 50 रखो। नीचे का तो पहन लिया, ऊपर के लिए कुछ मिलेगा? उसे ठिकाने लगाने का तरीका बता सकता हूँ, पर अपनी शादी में बुलाना होगा। अब बातों को इतना खींचो मत, जल्दी से इसे अपना तरीका बता दो। अच्छा एक काम करो, जब वो रात को सो रहा होगा तो कोई भारी पत्थर लेकर उसके सिर का कचूमर बना देना, वो मर जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऊपर नीचे का फिट हो गया है, अब बीच के लिए भी कुछ दे दो। ये ले। क्या पटाखा चीज है यार, मुझे उसी वक्त इसे देख लेना चाहिए था जब ये पेड़ के पीछे खड़ी थी।
अरे ओ डॉगी भाई, इस बुड्ढे को लेके कहाँ चल दिए? हेलो, सठिया गए हो क्या? इंसानों को छोड़कर जानवरों से बात कर रहे हो? अगर ये सच होता तो मैं पहले तुमसे बात करता। क्या कहा? मैं तुम्हें जानवर दिखता हूँ क्या? सही वक्त पर आए हो। तुम दोनों चिड़ियाघर चले जाओ, वो लोग तुम्हें पिंजरे में डाल देंगे, मेरी गारंटी। अबे चुप कर। क्यों? अरे पुट्टा राजू, इसे कहाँ ले जा रहा है? जैसे चिल्ड्रंस डे वैलेंटाइंस डे होता है, वैसे डॉग्स डे है आज। शो में लेकर जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या कमाल करता है। पुट्टा राजू, तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो, तुम एक डॉबरमैन हो, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। बकवास बंद। ए शास्त्री, बोलिए। अपने तोते से मेरा भविष्य निकलवा। आपका नाम क्या है जजमान? सत्यानंद। प्यारे तोते, सत्यानंद का कार्ड निकाल। शाबाश। आपका भाग्य सुनिए जजमान, आपकी जल्दी शादी होने वाली है और पहले ही रात आप उसे मार दोगे। ये बात तो मैं पहले से ही जानता हूँ। ये बताओ, मैं पुलिस से बच पाऊंगा या नहीं? उसका एक्स्ट्रा लगेगा। मैं दूंगा ही नहीं। वो मैं बता दूंगा, अभी इनके पैसे दे दो। उसकी जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। तुम्हारे जीजा को बहुत ही जल्द पुलिस सीढ़ी पर लिटा कर ले जाएगी। मुंह बंद रखना, वरना तेरी अर्थी बिछा दूंगा इसी सीढ़ी पर। तू सच्चाई सुन। ठीक है। तुम्हारी बहन ने कहा था कि उसके पेट में कीड़े थे, तो मैंने उसे कीड़े की दवा पिला दी। तुम्हारी बहन कीड़ों के साथ मर गई, तो इसमें मेरी क्या गलती? कोई गलती नहीं। नहीं ना। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे किराए पर कमरा मिल सकता है? नहीं, हाउसफुल है। छुट्टी खुली चलेगी? ऑफिस पास में ही है ना, चल के जाऊंगा, चल के आऊंगा। अच्छा है, चलने में तुम्हारा टाइम बीत जाएगा, घर क्या करोगे? मैंने कहा ना, यहाँ कोई कमरा नहीं। आप बात करो ना, काम बन जाएगा। एक बार कह दिया तो कह दिया, कोई कमरा खाली नहीं है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं हूँ हाथ से टूटा और दिमाग से पैदल, हम दोनों की खूब जमेगी। क्या है? तुम बीच में मत आओ। काम क्या करते हो? मैं बड़ी कंपनी में छोटे गेट का वॉचमैन हूँ। और मैं बड़ी दुकान का छोटा सेल्समैन हूँ। किराया 500 तक दे सकता हूँ। एक काम करो, इसको मेरी वो वाली खोली दे दो। बहुत कम है, मैं दिन में ही रहूंगा। तो अरे मेरी बात सुनो, तुम कल सुबह आ जाना। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपको भी थैंक यू। वेलकम नॉट, वेलकम नॉट। तुमने उस लड़के को सुबह क्यों बुलाया? धंधा बेचकर गांव जाने वाले हो क्या? इस बारे में मैं तुमसे कल बात करूंगा। मेरे पास ऐसा धमाकेदार आइडिया है जिससे तुम 1000 रुपए महीना कमा सकते हो। क्या बात कर रहे हो यार, इसी की तो जरूरत थी मुझे। आइडिया चाहिए तो 1000 रुपए लगेंगे, पहले एडवांस दो फिर बताऊंगा। अब बोलो, वो लड़का काम क्या करता है? कंपनी में नाइट वॉचमैन है। और वो लड़की जो वहाँ ऊपर रहती है, वो क्या करती है? वो कंपनी में इंजीनियर है। वो दिन में नहीं रहेगी, रहेगी क्या? नहीं तो। और वो लड़का रात को नहीं रहेगा? बिल्कुल। दिन के वक्त लड़के को रहने दो और रात को लड़की को रहने दो। कल जब वो वापस आएगा, हाँ, तो उसके सामने ये शर्त रखना कि बिना लड़की को बताए उसे वहाँ रहना होगा। तुम बस एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह उनके आने जाने का ख्याल रखना। लड़की जो किराया भरेगी वो मकान मालिक के पास, और उसका किराया तुम्हारी जेब में। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? क्या बात है, अद्भुत। कल रात सपने में रामोजी राव ने फिल्म सिटी मेरे नाम कर दी। मैं भी एक बात बताऊं, कल रात मेरे सपने में दो दो हीरोइनें आई थी, दोनों ने बहुत परेशान किया। ऐसा क्या, पहले क्यों नहीं बताया? बताया तो था, लेकिन सरोजनी ने कहा कि तुम रामोजी फिल्म सिटी के कागजात लेने गए। हर बार मजा खराब कर। झाड़ू चाहिए? नहीं नहीं ठीक है। ये कौन आ गया, क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ किराए पे कमरा था ना मेरा। कमरा किराए का? किसने बुलाया तुम्हें? वो जो काला सा आदमी जिसकी आंखों में गड्ढे पड़े हुए हैं। वही जो भैंसे की तरह दिखता है, जिसने एक आदमी को मार दिया था, वही ना? और वो जो सीढ़ी लेकर हर घर में झांकता फिरता है और जिसकी आंखें बटेर जैसी हैं, वही ना? भाई ऐसे आदमी को तो मैं नहीं जानता। अरे ये आदमी मेरे जीजा से मिलने आया है। हाँ बोलो, क्या काम है? कल मैं आया था, आपने कहा सुबह आ जाना, कमरा मिल जाएगा। चलो चलो चलो, जाके छुप जाओ, तुम खोपचे में आओ। अबे दिमाग है कि नहीं? ये बातें सबके सामने नहीं की जाती, अभी क्यों आया है? आप ही ने तो कहा था। राज की बात सुन, और ये बात किसी को बताना नहीं। ये कमरा दिन भर खाली रहता है, तुम इसमें रह सकते हो। आपका मतलब यहाँ पहले से कोई रह रहा है? यहाँ एक लड़की रहती है, जब वो लड़की सुबह ऑफिस जाएगी तब मैं सीटी बजाऊंगा, तब तुम कमरे में जाओगे। जैसे ही वो शाम को ऑफिस से आएगी मैं फिर सीटी बजाऊंगा, तुम फटाफट वटक लेना। छुट्टी के दिन उसके साथ घूमूंगा। सपने देखना बंद करो, छुट्टी के दिन तुम फुटपाथ पे और लड़की सोएगी खाट पे। इसका मतलब है आप मुझे उस लड़की के जानकारी के बिना ही कमरे में रख रहे हैं। सही पकड़े हो मेरे दोस्त अमरीका प्रसाद। बेवकूफ, कहीं क्या अकल नहीं है, क्या करता है? चिल्लाना जरूरी है, किडनी में हार्ट अटैक आ जाता। तेरे जैसा रूममेट किसी को नहीं मिलना चाहिए। चल अब इतना भाव मत खा, मेरा मैसेज मिला था तुझे। हाँ मिल गया मिल गया, तूने अभी अभी तो कहा इतना भाव मत खा। अच्छा सुना तूने, मेरी बात सुन, मुझे ऑफिस के पास कमरा मिल गया। तो शिफ्ट क्यों कर रहे? मैंने ज्यादा बोल दिया क्या? नहीं यार, कंपनी से यहाँ आने जाने में रोज 4 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। ये तूने सही कहा, वैसे एक तरह से अच्छा भी है, पास ही में मेरे अंकल रहते, उनके डर से मैं खुल के दारू नहीं पी सकता। तेरे कमरे में मजे करेंगे, खूब दारू पियेंगे, ऐश करेंगे। रात पाली में लड़की रहती है, दिन पाली में वहाँ मैं रहूंगा। अबे ये क्या चक्कर है, रात पाली दिन पाली? हा? लड़की और मकान मालिक को बिना बताए केयर टेकर ने मेरे वहाँ रहने का इंतजाम किया है। छुट्टी के दिन क्या करोगे? मैं यहाँ आकर आराम करूंगा, तो मेरे अच्छे दोस्तों मना नहीं करोगे? जब तक मैं अमेरिका नहीं जाता तू यहाँ बिंदास रहे, एक बार मेरा ग्रीन कार्ड बन जाएगा तो आधार कार्ड कैंसिल। तुम अमेरिका जा रहे हो? सोचा तो। अपनी शक्ल देखी है तुमने?
ए, रुको 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 रुक जाओ। दिन के उजाले में सामान उठा कर लाए हो, ये लंगूर कौन है? ये प्रसाद है, मेरा जिगरी दोस्त है। मिलकर खुशी हुई। उसे कहा था ना, क्लास फ्रेंड हो, क्लोज फ्रेंड हो, फ्रेंड का फ्रेंड भी नहीं आएगा, समझे? गर्लफ्रेंड इसे लेकर क्यों आयो? मेरा सामान उठाने के लिए। अपना सामान खुद ही उठाना पड़ेगा, भगाओ इसे। इसका रूम तो छोड़ो, मैं इंडिया में नहीं रहने वाला हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, छुट्टी के दिन मुँह उठा कर आ जाना। ठीक है, आगे से मुड़। किस तरह? इस तरह जा रहा हूँ। लगता है ये स्वर्ग की सीढ़ी है, स्वर्ग के द्वार खोलकर अप्सरा के दर्शन करूंगा। मैंने कहा था फिल्म में हीरोइन गोरी है, वो तो काली निकली, लेकिन ये उससे ज्यादा गोरी है। आइंदा झूठ बोला तो सर फोड़ दूंगा तेरा। हाँ, जैसे तू हमेशा सच बोलता है, आया सिर फोड़ने मेरा। नमस्कार महोदय, क्या हमें यहाँ मकान रहने के लिए मुफ्त में मिलेगा? वैसे तुम मुफ्त में क्या करते हो? मैं एक लेखक हूँ और चलचित्र की कहानियाँ लिखता हूँ। अभी तक कितनी कहानियाँ बेची हैं? कहानी तो नहीं बिकी, पर कहानी के पन्ने रद्दी में बिक गए। क्या? अरे सीटी बजाई नहीं और तू आ गया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कितनी बड़ी? मैंने अपना शेविंग रेजर बाथरूम में छोड़ दिया। अरे ये क्या कर दिया तूने? अब वो बाथरूम में मुंह धोने जाएगी, अगर उसने रेजर देख लिया मेरा टिकट कट जाएगा। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। मैंने अपना अंडरवेयर नहीं पहना। अरे तो चिल्लाने की जरूरत क्या है, ये भी तो कभी अंडरवेयर नहीं पहनता। सही है ना, देखो उसकी बेबी कितनी खुश है। अरे चुप करो, ये सब इसके सामने क्यों कह रहे हो? मुझे लगता है अगर मैंने नहीं पहना है तो इसने पहना होगा। बकवास बंद करो। खिड़की में सूख रहा होगा। सच कह रहा हूँ, सुबह मैंने उसे धोया था, ब्लू कलर का है। बेडरूम की खिड़की या बाथरूम की खिड़की याद नहीं आ रहा है कहाँ टांगा। जल्दी से टांगा मंगा लो, हम सब मेरे गांव जाएंगे, वहाँ पहाड़ से कूद के हम सब सुसाइड कर लेंगे। वो तो तुम अकेले भी कर सकते हो। चुप कर, ₹5 दो, एक बढ़िया सा आइडिया लो। ऊँची किस्मत, ये रख। बोल, अपना मुंह बंद करो और मेरे पीछे आओ। हेलो मैडम। तुम लोग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तू बताता क्यों नहीं है? तुम ही चिल्ला रहे थे ना, तुम ही बताओ। तुम ही कह रहे थे ना बार बार कि तुम्हारा शेविंग रेजर बाथरूम में रह गया। हाँ याद आया, बात यह है कि मैं तो बस ये चेक करने के लिए आया था कि नल में ठीक से पानी आ रहा है। अबे मकान मालिक ने हमें पता करने के लिए कहा है कि यहाँ किसी चीज को रिपेयर करने की जरूरत तो नहीं, और अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकती हैं। सब कुछ एकदम बढ़िया है, टाइम वेस्ट मत करो, भाग। मैं चेक करके जाऊंगा, नहीं तो मालिक मेरा नल बंद कर देगा। तुम लोग मुझसे चाहते क्या? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तेरा ध्यान किधर है? मैं नल चेक करने जा रहा हूँ, तब तक तुम इन्हें मामला की कहानी सुनाओ। मामला? हाँ। कैसा मामला? हाँ मामला मतलब, हाँ मामला। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को अकेले ही सारा ज्ञान दे दिया था। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता ना, वैसे ही गीता का ज्ञान सारी दुनिया में लीक कैसे हो गया ये उसकी समझ में नहीं आ रहा। मेरा दोस्त सुब्बा राव बहुत ही बड़ा फाइनेंसर है, उसने वेंगल राव को प्लास्टिक सर्जरी के लिए ₹40,000 लोन पर दिए हैं। सोचो कितने कमाल की बात है, प्लास्टिक सर्जरी होने के बाद सुब्बा राव वेंगल राव को पहचान नहीं पाया। और तुम जानती हो वो कौन है? तुम्हें पता भी है वेंगल राव कौन है? कौन है? अरे जो अंदर है यही है। अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? हम पागल नहीं है, बस दिमाग से 1 किलोमीटर पैदल हैं। चुप करो, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी डाउट होना तो हम दोनों से पूछ सकती हो, हमें तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी। मैडम ऑफिस से थक कर आई है, उन्हें आराम करने दो। भूल गए क्या? क्या? हमें उस लड़के का अंडरवेयर भी तो ढूंढना है। याद आया, अंडरवेयर। दर्द है, बहुत तेज दर्द, पेट में दर्द, इसके भी एक आइडिया है मुझे। जैसे लड़की चलने लगेगी अंडरवेयर खींच लेना। हमेशा उल्टा सीधा खाता रहता है ये, फिर उसके बाद ये हाल हो जाता है। घर में थोड़ी दवाई होगी तो दे दो ना प्लीज। अच्छा। जैसे बाहर आए अंडरवेयर खींच लेना। ये लो खा लो। दवा हाथ में लेते ही आराम मिल गया। तुमने दी दवा, तुम्हारे लिए दिल से निकली दुआ। वो सब तो ठीक है, अंदर की बात मत बता देना। लो आके, ये आदमी ना कहीं से भी टपक पड़ता है, इसका इलाज क्यों नहीं करवाते? बीमारी बहुत सीरियस है मैडम। ठीक कहा इन्होंने, जानवरों के अस्पताल भी लेकर गए थे, वहाँ डॉक्टरों ने चीजा को ही दवाई दी थी। ए, चुप रहो तुम। चुप कर। बात ये है कि अंडरवेयर और शेविंग रेजर था तो मैनेज हो गया, अगर कल कोई बड़ा सामान टोटी मुंह बंद कर अब मैनेज हो जाएगा।